कालावाली से बड़ी खबर, खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। रात में सिंचाई करने खेत गया था किसान, मृतक की पहचान गोरा सिंह के रूप में हुई है। कालावाली के गांव चकेरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की कालावाली से सामने आ रही है, जहां पर खेत में किसान रात में सिंचाई करने के मकसद से गया था, लेकिन उसको खेत में करंट लग गया, जिस वजह से किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान भी हो चुकी है, मृतक की पहचान गोरा सिंह के रूप में हुई है और ये पूरा मामला कालावाली के गांव चकेरिया का बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उस वक्त की, खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। रात में सिंचाई करने ये किसान खेत पर गया था, जहां पर उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश जुड़ चुके हैं। जगदीश, खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई, क्या कुछ है पूरा मामला? क्योंकि कालावाली क्षेत्र के गांव मामला है, किसान गोरा सिंह सिंचाई करने के लिए खेत में गया था, जैसे ही ट्यूबवेल पर लगी मोटर जो कि बिजली सप्लाई से चलती है छोड़ने के लिए स्विच ऑन किया, तो किसान को जो करंट लग गया और किसान को इतना करंट लगा कि किसान को जैसे उपचार के लिए सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे तो उसकी मौत हो गई। अभी जो शव है सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में पड़ा और डॉक्टरों की ओर से पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा और उसके बाद गांव के शमशान घाट में जो किसान का है अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सी घटनाएं इलाका में हो रही है। वहीं ग्रामीण और परिजनों की ओर से मांग है कि सरकार को इस तरह की घटनाओं को लेकर मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसान के बलबूते पर ही जो परिवार का पालन पोषण हो रहा था और कमाई करने वाला जो मुखिया था वो इस घटना के कारण घर से बिछड़ गया है। बहुत दुखद घटना है, इलाका में इस बात को लेकर एक गमगीन माहौल भी बना हुआ है। जी जगदीश, क्या किसी की लापरवाही की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है और परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी मैं बता दूं, अभी तक जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बरसात के कारण जो करंट की घटना है वो हुई है और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक बात मैं और जहां बता दूं कि अक्सर ही किसान जो नेता है, जब किसान यूनियन के जो लोग हैं उनकी ओर से ज्ञापन दिए जाते हैं कि जो भी सिंचाई के लिए ट्रांसफर लगे हुए हैं खेतों में उन पे स्विच नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि स्विच ना होने के कारण अभी करंट है वो सीधा आ जाता है। अगर ट्रांसफर पे स्विच हो तो किसान की मौत से पहले शायद स्विच गिरता, जिससे बिजली सप्लाई बंद हो सकती थी। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि इलाके में जो ट्रांसफर है उन पे, अधिकतर ही शहर की बात कर ले, खेतों की बात कर ले, तो वहाँ स्विच नहीं है, जो लोड के कारण स्विच गिरे तो सप्लाई बंद हो सकती है, ये भी एक बड़ा कारण है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।